साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप सीटेट का एग्जाम देंगे ऑनलाइन, तो आपको लैंग्वेज का चुनाव किस प्रकार करेंगे जो आप रखे होंगे, तो यहाँ सिस्टम में किस प्रकार चेंज करेंगे, क्या ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसी गलती कर देते हैं तो ऐसा होगा कि आपका नंबर काउंट नहीं होगा। आप जानते भी होंगे कि पहले ऑफलाइन एग्जाम में ये हमारा एक आप गलत बना देते थे, उस नंबर सिस्टम नंबर आपको शो करेगा जब पहले आप कंप्यूटर पर लॉगिन करेंगे, तो देख सकते हैं इधर आपका एक नाम शो करेगा और उसके साथ साथ आपका फ़ोटो शो करेगा। इस प्रकार लॉगिन का ऑप्शन आएगा, जब आपका टाइम पूर जाएगा कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ लॉगिन आएगा, यहाँ आपका रोल नंबर रहेगा, इसके साथ साथ जो लॉक जो देख रहे हैं ताला, ये आपका पासवर्ड होता है, ये पासवर्ड क्या होता है बताया जाएगा। के सकते हैं ये नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको लैंग्वेज चूज आप जो ये आप ध्यान देंगे तीर का निशान में, इसको आप इंग्लिश या हिंदी कोई लैंग्वेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप डिक्लेरेशन फॉर्म है आप सबमिट कीजिएगा, जैसे ही आई एम रेडी टू बिगिन, यानी आप एग्जाम देने इस पे के लिए आप पूरे जो इंस्ट्रक्शन है आपने पढ़ लिया है। इसके साथ साथ आपको ध्यान देखिए वहाँ दीजिएगा, अगर मतलब एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना कि आप की गलती हो जाए वीडियो देखने के बाद। देखिए आप यहाँ जो है स्क्रीन पर ये तीर का निशान देख रहे हैं, वो तीर को निशान का ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं ये क्या होगा। आपको पहले इस प्रकार आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह खुल के आ जाएगा, तो क्या होगा ये आपका देख सकते हैं नीचे में लिखा ही हुआ है, ये हमारा CDP हुआ, मैथमेटिक्स हुआ और ये EVS है। तो अगर आपका मन है कि नहीं हम बाल विकास बनाने के बाद EVS को बनाए या हिंदी बनाए या संस्कृत बनाए इंग्लिश है, आप आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस स्टेप को बदलना है, तो क्या करना है, जैसे यहाँ CDP है, इसके साथ साथ ऊपर में जब आप खोलेंगे उस पेज पर तो आपको तीन खुल के आएगा, CDP, मैथमेटिक्स और इसके बाद EVS। तो आप इस पे भी जा सकते हैं, मैथ पे चाहे तो जा सकते हैं, माउस के सहारे आप उस पे क्लिक कीजिएगा तो EVS के साथ पर भी जा सकते हैं। हुआ यानी एक पेपर में तीन कॉमन, उसके साथ लैंग्वेज देख सकते हैं LAN लैंग्वेज और उसके बाद लैंग्वेज, यानी आपका एक लैंग्वेज वन है और इसके साथ साथ आपका दूसरा आपका लैंग्वेज टू है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे जो लैंग्वेज वन पर देख सकते हैं, फर्स्ट पे क्लिक कीजिएगा आप, तो लैंग्वेज वन पे देखिए यहाँ अगर समस्या आ भी रही है कि हमें मान लीजिए कि वहाँ तो लिखा नहीं है बट वहाँ लिखा रहेगा, तो आपको देख सकते हैं ये आपके सामने ओमार शीट देख सकते हैं, आपके राइट साइड ओमार शीट बनते जा रहा होगा। देखिए पहले ऐसा ऑफलाइन में एग्जाम में होता था कि हिंदी है अगर पेपर वन है तो 91 से बनाना है, यानी 91 से लेकर 120 तक बनाना है। अगर लैंग्वेज टू में अगर संस्कृत है तो 121 से 150 तक बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बटा हुआ है तो आपको प्रत्येक में 30-30 है, तो आपको उस पर क्लिक करना है और देख लीजिएगा आप ओमार शीट देख सकते हैं, आपको राइट साइड ओमार शीट रहेगा, यहाँ लिखा भी है। देखिए यहाँ अगर जो आप स्क्रीन पर आया हुआ ये सभी क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, ये आपका ओमार शीट लैंग्वेज वन के लिए आप रेडी हैं। तो जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे लैंग्वेज को लेकर, देखिए तीरी में तो डाउट नहीं है, CDP EVS ये तो सभी का कॉमन रहेगा, बट लैंग्वेज में बहुत सारे गलती होती है, तो आप ओमार शीट में देख लीजिएगा बना रहे हैं क्या आपका एडमिट कार्ड में वही है। अगर एडमिट कार्ड में लैंग्वेज वन हिंदी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी है तो उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये खुल के आएगा। देखिए यहाँ सिर्फ ये रहेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है ओमार शीट पे कि आप जो बना रहे हैं ये आप लैंग्वेज वन हिंदी या टू या संस्कृत क्या बना रहे हैं, तो आप हमेशा ओमार शीट पर ध्यान दीजिएगा। मेरे ख्याल से अगर आप ओमार शीट पर तो यह सभी समस्या का सॉल्व हो जाएगा।
सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ये देखिए और प्रत्येक में क्या है, सेव है, नेक्स्ट करना है, ऐसा सभी क्वेश्चन अगर जो बनाते हैं तो सभी में क्या करना पड़ता है। जैसे इसका अगर मान लीजिए इस पर होगा तो क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेव है नेक्स्ट करना है। सेव है नेक्स्ट अगर सभी को हरा लाल नहीं छोड़ना है क्योंकि आपका वहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद वहाँ आ रहा है लैंग्वेज टू, देख सकते हैं यहाँ आप तीर का निशान देंगे ऊपर में तो यहाँ आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार खुलेगा। तो वहाँ भी आपको क्या हुआ, लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो अगर आपका लैंग्वेज टू मराठी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो तो यहाँ तो नहीं है, बट फाइनल एग्जाम में आपको ना, क्योंकि आपको एक बड़े एक मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि इस प्रकार ऐसी गलती न करें और इस पर कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम में। तो जब भी आप बनाएंगे ओमार शीट को ध्यान देंगे और बना सकते हैं। अगर लैंग्वेज टू में किसी का संस्कृत है, जैसे लैंग्वेज टू में भी किसी का हिंदी रहता है तो वहाँ क्लिक करना है, क्लिक करेंगे देखिए ओमार शीट चेंज हो गया। तो इस प्रकार आप जब भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ओमार शीट पर ध्यान दीजिएगा। ओमार शीट को घसते वक्त जैसे पहले होता था कि जैसे ऑफलाइन में घस रहे थे शीट को बना रहे थे, बट यहाँ कुछ सिस्टम पूरी तरह से नया है जो, तो इस प्रकार गलती न करें। है और सबमिट के चक्कर में नहीं रहना है, आप सवाल बनाते रहेंगे, सवाल पर ध्यान देंगे, आपको सॉल्व करना है इस टाइम के अंतर्गत। ये ऑलरेडी सिस्टम ऐसा रहता है कि आपका ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको ये फायदेमंद है, अगर आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहा है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।